आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम पटियाला सलवार बनाएंगे विद अस्तर। तो फ्रेंड्स, वो अस्तर भी हम एक ओल्ड सलवार का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए मैं आपको एक ओल्ड सलवार से एक न्यू सलवार पटियाला हैवी पटियाला सलवार बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करें वीडियो। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी ये ओल्ड सलवार है जिसको मैं कई बार यूज कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको इसकी एक तो इसकी बेल्ट को अलग करूंगी और इसकी बेल्ट से सीधे जो ये सिलाई सिलाई होती है नीचे तक पैनल तक मोहरी तक की सिलाई है एक इसको खोलेंगे और फ्रेंड्स सलवार को ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सलवार की सिलाई खोल दी है और ये इसकी बेल्ट को अलग कर लिया है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, अब हम जो हम सलवार जो जो कपड़ा हम सलवार बनाने के लिए यूज करेंगे वो है इस तरीके का है। फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरीके का ये 5 मीटर का कपड़ा लिया हुआ है मेरा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आके वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा मेजरमेंट है 40, मेरी हिप राउंड 41 इंच मुझे लेंथ चाहिए और मोहरी की ये जो नीचे की लंबाई होती है वो मुझे 16 इंच चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पैनल के लिए कपड़ा तैयार कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 2 फोल्ड करके और इसको इस तरीके से मोड़ दिया है, फोर्थ फोल्ड हो गया। तो फ्रेंड्स, ये मैं मुझे मेजरमेंट चाहिए तो इसके लिए मैंने मोहरी का मेरा 60 इंच का हाफ किया, 8 8 में 1 प्लस किया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मुझे 9 इंच चाहिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी चौड़ी यानी कितनी लेंथ में मोहरी चाहिए, कितनी लूज मोहरी पहनते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए देखिए, ये मैंने इस तरीके से कपड़े को कसन निकालने के बाद मुझे 9 इंच चाहिए। तो फ्रेंड्स, 9 इंच के लिए ये देखिए मेरा मेजरमेंट। देखिए ये 9 इंच और लेंथ चाहिए। अब मुझे लेंथ के लिए 5 इंच बेल्ट का माइनस करूँगी। तो 5 इंच बेल्ट का माइनस करने के बाद मुझे 41 इंच में 5 इंच बेल्ट का माइनस करने के बाद 36 मिलता है। तो 36 में इसका लेंथ रखूँगी। तो देखिए फ्रेंड, 36 इंच इसकी लेंथ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 36 इंच ये पैनल का निशान लगा लिया है। देखिए फ्रेंड्स, 36 इंच पे ये मैंने पैनल का निशान लगा लिया 36 इंच पे। अब फ्रेंड, इस 36 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं इधर से इसका कट कर दूंगी। फ्रेंड्स, ये यहाँ से पैनल कट कर दूंगा। फ्रेंड्स, पैनल कट कर ये पैनल काटने के बाद ये बचे हुए कपड़े का हम बेल्ट निकालेंगे। ये बचे हुए कपड़े का हम बेल्ट निकालेंगे, इसमें से पैनल कट कर देंगे और ये बचे हुए कपड़े को हम बेल्ट में यूज में लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसके पैनल काट के अलग करती हूँ कि फ्रेंड्स, ये मैंने पैनल काट दिए और जो ऊपर कपड़ा बचा है इसका मैं बेल्ट तैयार करूँगी। तो बेल्ट के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट में जैसे मेरा 40 हिप था तो फ्रेंड्स उसमें मैंने उसका फोर्थ पार्ट हुआ 10 10 में मैंने 1 प्लस किया। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसका 11 इंच इसकी चौड़ाई लेते हैं फ्रेंड्स, कमर के चारों तरफ का फोर्थ पार्ट और इसकी जो इसकी जो ऊपर बेल्ट की चौड़ाई होगी हमारे सलवार में फ्रेंड्स वो 6 इंच होगी। तो क्या होता है फ्रेंड, ज़्यादा हम अगर बेल्ट ज़्यादा चौड़ी ले लेते हैं तो वो सलवार का गहर नीचे झुकता हुआ आता है, तो वो सूट में से दिखता हुआ बहुत गंदा लगता है। इसलिए फ्रेंड्स, हम पटियाला लुक देने के लिए पटियाला सलवार को पटियाला तरीके से ही बनाएंगे जिससे हमारे सलवार के टक्स ना दिखाई दे और सलवार हैवी एंड एक स्टाइलिश लुक दे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने पैनल काट ली, ये मैंने 2 फोल्ड करके इसको 4th फोल्ड किया था, ये दोनों पैरों के पैनल काट गए। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरे पैनल कट गए। ये फ्रेंड्स, ये मेरे पैनल कट गए। देखिए ये मेरे मुझे 16 इंच ये थी मोहरी, तो मैंने इसमें 1 इंच ऐड करके और मैंने इसे काट लिया। तो सर, तो फ्रेंड्स दोनों साइड 1 1 इंच ऐड किया तो 2 इंच हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए, तो ये मेरा हुआ 8। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हम कपड़े को इस तरीके से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर की साइड से 9 इंच आसन कट कर दिया मैंने
देखिए 9 इंच आसन कट करने के बाद ये मैंने इसकी लेंथ कट कर दी। लेंथ कट करने के बाद इसके अपोजिट साइड जाके, ये अपोजिट साइड जाके इस तरीके से मैंने इधर से भी 9 इंच आसन कट कर दिया और ये लेंथ 36 इंच ले ली। ये कपड़ा फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाने के लिए इस तरीके से सेट किया है क्योंकि पहले मुझे काटने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से कपड़ा ज़्यादा होने की वजह। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे दो इस आसन से, इस वाले आसन से उस आसन को मैंने सेट कर दिया था। दोनों आसनों को एक साथ ऐसे मिलाया, मिलाने के बाद फ्रेंड्स मैंने सिर्फ 2 इंच आसन का थोड़ा सा इधर से निशान लगा कर कट कर दिया। कट करने के बाद फ्रेंड्स देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा दोनों साइड का गहरता सलवार का दो दो कलियाँ मिल गई, एक कली ये एक कली ये। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से एक पैर की कली ये और एक पैर से एक पैर की कली वो। ये देखिए हमारे सलवार का मेजरमेंट फ्रेंड्स। ये तो है हमारी बेल्ट और ये हमने जो 2 पैनल निकाले थे मोहरी के अकॉर्डिंग वो पैनल, और ये हमारी कलियाँ हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ से यहाँ तक 9 इंच इसकी लेंथ ली आसन की और ये 36 इंच हमारे पैनल थे, 36 इंच हमने ये ली। तो फ्रेंड्स ये 35 हो, 1 इंच कम हो जाए पैनलों से तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सलवार में परफेक्ट लुक आएगा। फ्रेंड्स ये देखिए हमने इस यहाँ ये एक आसन हमने इधर से लिया, दूसरा आसन हमने इधर से लिया और कपड़े को हमने 2 फोल्ड पे रखा। देखिए फ्रेंड्स हमने कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड पे रखा था, ये हमने 2 फोल्ड पे रखा था कपड़े को। 9 इंच आसन इधर से लिया, 9 इंच आसन इधर से लेकर और ये हमने इस साइड से लेंथ ली और इस साइड से अपोजिट साइड से दूसरी कली की लेंथ ली। तो फ्रेंड्स अब हम इसको इस आसन से थोड़ा सा 2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए और 2 इंच इधर से अंदर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम निशान लगा देंगे जैसे इस तरीके से निशान लगा और इस निशान को हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरी 2 कलियाँ हो गई और 1 पैनल हो गया। तो फ्रेंड्स ये कली और पैनल देखिए फ्रेंड्स, अगर कली 1 इंच छोटी पड़ जाए पैनल की यहाँ पे आने से तो कोई फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, तब भी हमारी सलवार एक परफेक्ट लुक देगी और परफेक्ट बैठेगी भी। तो फ्रेंड्स हम इसमें सब में टक्स लगाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम टक्स के लिए, पहले हम पैनल को और कलियों को स्टिचिंग करेंगे। इसको स्टिच करने के बाद इनको स्टिच करेंगे फ्रेंड्स। इनको स्टिच करने के बाद ये देखिए हम फिर आसन से इस कली के आसन से इस कली का आसन जोड़ेंगे और उसके बाद हम इसमें टक्स मारेंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब मैंने इसकी स्टिचिंग करते हैं। मैंने ये सलवार के अस्तर में टक्स लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स टक्स देने के लिए क्या करेंगे हम आसन को दोनों आसनों को एक साथ अटैच कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दोनों आसनों को एक साथ अटैच इस सलवार में तो अटैच किए हुए थे, उसमें भी अस्तर में भी मैंने अटैच कर लिए और टक्स उल्टा देंगे। ये आसन है, ये अपना आसन है, ये इसकी इस साइड टक्स दिए हैं देखिए फ्रेंड, और इसमें उसकी अपोजिट साइड में इस तरीके से अपोजिट साइड देंगे टक्स। देखिए फ्रेंड इस तरीके से अगर आपकी सलवार में टक्स बेल्ट को हटाने के बाद भी अगर टक्स रहते हैं तो फ्रेंड्स उन टक्स को आप स्टिच को खोलिएगा नहीं। ये मेरी सलवार ये नेट का कपड़ा है सर, अभी फ्रेंड मैंने अस्तर का बताया था फ्रेंड्स। ये देखिए तो फ्रेंड्स ये क्या है, मैंने एक साइड से तो आसन जोड़ दिया आसन से आसन को और एक साइड से मैंने ओपन छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स मुझे इस तरीके से टक्स देना ज़्यादा आसान लगता है और ना मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है आसन से आसन जोड़ने पे मैं घेर नहीं संभाल पाती अच्छे से। तो फ्रेंड्स क्या है मेरी मशीन थोड़ी दीवार से अटैच है इसलिए। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इस तरीके से बताती हूँ, मेरे को बहुत ईजी तरीका लगता है। तो फ्रेंड्स इससे देखिए इस तरीके से स्टिमुलेट देंगे, थोड़ा सा ये हम थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे बस इस तरीके से। देखिए फुट से बस थोड़ा इतनी दूरी पर लेके और मैं इस तरीके से अपने अंदाजे से टक्स लगाती हूँ फ्रेंड्स। ना किसी इंची टेप की आवश्यकता पड़ती है ना किसी और मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। देखिए फ्रेंड्स मेरी एक चुन्नट इस तरीके से फुट तक लेके जाऊंगी और मेरी एक चुन्नट इतनी चौड़ी और इतनी गहरी होगी। देखिए फ्रेंड इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड
इस तरीके से ऐसी घेरी होगी, और इनमें मैं डिफरेंस मैं बस फिंगर से नाप रही थी फ्रेंड्स, इस तरीके से 2 इंच का रख लो आप फ्रेंड, 2 इंच का इनमें ज़्यादा गहे इनकी डिफरेंस ज़्यादा नहीं रखना है फ्रेंड्स, 1 इंच से या 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है फ्रेंड्स, 2 इंच लास्ट है फ्रेंड्स, 2 इंच बस वो लास्ट है, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखना फ्रेंड्स। इससे सलवार चुन्नटे चारों तरफ आ जाती है इस सलवार में, तो वो बहुत भद्दी दिखाई देती है फ्रेंड्स इस तरीके से। ये मैंने देखी 3 टक्स दे दी, ये देखिए मेरी 2 फिंगर की दूरी पे। अब देखिए फ्रेंड्स दूसरे टक्स लेने के लिए ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे लाई, मेरे 2 फिंगर का मैंने नापा, और ये देखिए इसकी नीडल्स के पास ही ले जाएंगे इसको फ्रेंड्स इस तरीके से। देखिए ये देखिए अब हम नीचे की प्लेटों को भी देखते जाएंगे फ्रेंड्स, ऊपर के चक्कर में हम अगर नीचे की प्लेटों को छोड़ देंगे तो हमारी दुगनी मेहनत हो जाएगी और हमारे सफाई भी नहीं आएगी सिलाई में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए, ये देखिए फ्रेंड ये 2 फिंगर का गैप दिया फ्रेंड्स मैंने। फ्रेंड्स हम सारी चुन्नटे दे देंगे सलवार में दोनों साइड, फिर बाद में हम ये आसन से आसन अटैच कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए मेरी सलवार में देखिए इक्वल टक्स आए सारे, देखो मैंने बताया था ना मैं इस तरीके से अंदाजे में इस तरीके से अपना ये ट्रिक आजमाती हूँ कि इस टेबल के इस किनारी से और ये फुट मशीन के ये फुट तक मैं 1 टक्स लेती हूँ। ये मेरी 5 मीटर की सलवार थी, तो फ्रेंड्स इसमें मुझे बड़ी बड़ी चुन्नटे लेनी थी, और मैं जब मैं छोटी सेमी पटियाला बनाती हूँ या 3 मीटर की पटियाला बनाती हूँ तो फ्रेंड्स उसका मेजरमेंट दूसरा होता है। मैं कभी 3 मीटर की सलवार बनाऊंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगी ये चीज़ें। ये आसन से आसन अटैच है ये देखिए फ्रेंड्स, और ये इस तरीके से दोनों साइड है एक जैसी चुन्नट आई है देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए एक जैसी। अब ये दूसरा आसन है, अब हम ये दूसरे आसन को भी अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये आसन से आसन अटैच कर दिया इस तरीके से। आसन से आसन अटैच करने के बाद ये दो टक्स बैक साइड दिए हैं हिप की तरफ, ये देखिए फ्रेंड्स ये 2 टक्स ये आसन है, और ये इस तरीके से जैसे आगे टक्स दिए थे चुन्नटे उसी तरीके से ये चुन्नटे भी दिए 2 फ्रेंड्स। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करना बताती हूँ मैं आपको, अब वो सलवार हम कैसे यूज करेंगे ओल्ड सलवार का इसमें वो बताती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए पहले हम सलवार को अटैच करते हैं इसमें ओल्ड को, और फिर हम इसकी बेल्ट अटैच करेंगे इसमें। फ्रेंड्स ये देखो मैंने सलवार में अटैच करने के लिए मैंने ओल्ड सलवार ली वो आपको बताई थी, और ये मैंने ये ऊपर अपनी वो नई सलवार का कपड़ा रखा है। तो फ्रेंड्स ये आसन से हम आसन को अटैच करेंगे पहले, तो टक्स वाली साइड से टक्स वाली साइड और विदाउट टक्स की विदाउट टक्स वाली। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने आसन से आसन जोड़ लिया है, ये देखिए ये आसन अब इन दोनों को मैं स्टिच करूंगी। मैंने सलवार को और उसके अस्तर को दोनों को जोड़ दिया है देखिए फ्रेंड। अब हम बेल्ट तैयार करते मैंने बेल्ट तैयार कर लिया, बेल्ट में हम 6 इंच का बेल्ट रखते हैं 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 2 इंच तो हमारा फोल्डिंग में चला जाता है 1 इंच हमारे नीचे स्टिचिंग में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने दोनों कपड़ों को अटैच करके ये बेल्ट तैयार कर लिए, बेल्ट को इसमें अटैच करेंगे। तो ये हमारा बेल्ट है ऊपर और ये हमारा सलवार का फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स अब हम इस दोनों को इस तरीके से अटैच करेंगे इस तरीके से। देखिए ये तो फैब्रिक सलवार का है टक्स वाला, ये आगे को फ्रंट से फ्रंट लगा के, और ये देखिए इस तरीके से अटैच करेंगे फ्रेंड्स हम बेल्ट को और सलवार को अटैच कर देंगे इस तरह। देखिए ये बेल्ट का फैब्रिक है, ये ऊपर बेल्ट का फैब्रिक है और ये सलवार का फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स हम इसे इस तरह अटैच करते चले जाएंगे फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने बेल्ट को और सलवार को अटैच कर दिया है, अटैच हो गई है इसमें। तो फ्रेंड्स अब हम इसको एक स्टिचिंग ऊपर से देंगे ताकि टक्स हमारे कभी निकले ना लूज ना पड़े। तो फ्रेंड्स एक स्टिचिंग में दे देंगे इसकी। स्टिचिंग देने के लिए पहले हम टक्स को और इसको सेट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए जॉइंट को इस तरीके से बीच में रखना नीडल्स के इसके, और फिर इसको नीचे से ये जो हमने सिलाई दोनों को अटैच कर रखा है इस कपड़े को थोड़ा फोल्डिंग को ऊपर करके इस तरीके से और इस तरीके से। देखिए फ्रेंड ये देखिए और इस पर इस तरह से एक स्टिच मार दी मारते चले जाइए। देखिए स्टिच करते चले जाइए इसको। देखिए पोंचों के लिए मैंने ये तैयार कर लिया है, इसको इसमें अटैच करके
इस तरीके से अटैच करने के बाद ये स्टिचिंग मारेंगे। ये पैनल पे अटैच होगा, कलियों पे अटैच नहीं होगा फ्रेंड। पोंचों के लिए हम पैनल का यूज करते हैं, तो पैनल मैंने आपको बताया था वीडियो में फर्स्ट में। तो फिर फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से, और इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो हम इसे स्टिच करते हैं। पोंचे तैयार करने के लिए उसको फॉर्म को इससे अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं सलवार के पोंचे बना रही हूँ। सलवार के पोंचे बनकर रेडी हो गए हैं, देखिए इस तरीके से दिखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें किसी भी तरीके की डिजाइन डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। और आपको मेरा आइडिया किस कैसा लगा तो फ्रेंड्स ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड सलवार को अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स या तो हम इस तरीके से जिस तरीके से मैं करी, तो फ्रेंड्स इस तरीके से अलग से अटैच कर सकते हैं। पहले अंदर का इनर का, पहले तो ऊपर वाला कपड़ा अटैच करेंगे, फिर नीचे इनर वाला कपड़ा बाद में। और यदि फ्रेंड्स आप चाहते हो तो चारों को इस तरीके से, ये दो परत अंदर वाले कपड़े की जो हमारे ऊपर आएगा उस कपड़े की, और ये हमारे अंदर अस्तर वाले कपड़े की, और इस तरीके से नीचे से भी उस कपड़े को अटैच करके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इन दोनों को इस तरीके से अटैच करके भी स्टिचिंग मारी जा सकती है फ्रेंड्स, जो आपको अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स मैं उस तरीके से अटैच करूँगी, क्योंकि मुझे इस तरीके से अटैच करने पर और उसके बाद फिर इसको अटैच करूँगी तो इससे क्या होगा, इसमें एक तो फिनिशिंग भी आएगी और ये अच्छे से अटैच हो जाएगा। हमारे सलवार रेडी हो गई है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ये इसकी टक्स देखिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। तो फ्रेंड इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।